सोलन को प्रदेश सरकार काफी वर्षों पहले धुआं मुक्त घोषित कर चुकी है। सरकारी फरमान के हिसाब से सोलन के सार्वजनिक क्षेत्रों में कोई भी धूम्रपान नहीं कर सकता है, ताकि धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के साथ खड़े व्यक्ति को पैसिव स्मोकिंग से बचाया जा सके। इसको लेकर प्रारंभ में काफी सख्ती भी दिखाई दी गई, लोगों के चालान भी काटे गए। होटलों, ढाबों और सरकारी भवनों में नो स्मोकिंग के पोस्टर भी लगाए गए। आज ये पोस्टर भी ढाबा होटलों से गायब हो गए हैं और आलम है कि अब सार्वजनिक स्थानों पर फिर से लोग धूम्रपान कर रहे हैं और साथ खड़े लोग पैसिव स्मोकिंग का शिकार होने को मजबूर हैं। जिला प्रशासन इस बात पर बेखबर नजर आ रहा है। कोपटा नियम यहाँ जैसे खुद धुआं होकर उड़ गया है। युवाओं ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि आजकल लोग सार्वजनिक स्थानों पर फिर से धूम्रपान करते नजर आ रहे हैं, जैसे उनको किसी का डर नहीं है। यही कारण है कि जहां लोग पैसिव स्मोकिंग का शिकार हो रहे हैं, वहीं छोटी उम्र के युवाओं पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए स्मोकिंग को सार्वजनिक स्थलों पूरी तरह से बैन करना चाहिए, ताकि किसी पर भी इसका दुष्प्रभाव ना पड़े। जैसे कि आप सबको पता है कि हिमाचल में सिगरेट पीना काफ़ी सालों पहले ही गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था, लेकिन इसका पूरा प्रभाव अभी हिमाचल में नहीं पड़ा है। आज भी आप देख सकते हैं लोग कहीं पे भी सिगरेट पी लेते हैं, जैसे कि मॉल रोड हो गया, पार्क हो गया, कहीं चाय पीने बैठते लोग वहीं खुले में सिगरेट पी लेते हैं। तो इसका असर सिर्फ उन्हीं को ही नहीं, जो साथ में लोग पीते नहीं है, जो बैठे हैं उनको भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो मतलब गवर्नमेंट ने इसके लिए 200 रुपये का चालान रखा है, जो इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट से निवेदन है कि इसके लिए कोई और स्ट्रिक्ट कदम उठाया जाए, ताकि और से और ये सिगरेट पीना लोगों का खुले में बंद हो जाए। पब्लिकली लोगों को ये काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है। भारत सरकार ने 2008 में 2 अक्टूबर के दिन स्मोकिंग पब्लिक प्लेसेस में बैन कर दी गई है। और स्मोकिंग का जिस तरीके से देखा जाए, पब्लिक प्लेसेस में लोग बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं स्मोकिंग करने से, खुलेआम स्मोकिंग कर रहे हैं। ये आप सब लोग जानते हैं कि हमारे भारत देश में स्मोकिंग पे बहुत साल पहले प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन इसका पूरी तरह से प्रभाव नहीं देखने को मिल रहा है। आप सब जानते हैं कि यहाँ हमारे यहाँ पे सोलन शहर ले लीजिए, चाहे शिमला, चाहे कोई भी शहर ले लीजिए, यहाँ पे जो है लोग बच्चे बूढ़े सार्वजनिक स्थलों पे स्मोकिंग कर रहे हैं, जिसका प्रभाव उन पे तो हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो उनके साथ लोग होते हैं जो इस चीज़ का उपयोग नहीं कर रहे हैं, उन पे भी इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। आप अपने शहर सोलन में देख सकते हैं, पार्क में चले जाओ, वहाँ लोग आमतौर पर स्मोकिंग करने ही आते हैं, घूमना फिरना तो बंद ही है वहाँ पे। और इसका इफेक्ट अपने ऊपर तो कम पड़ता है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग नहीं करते हैं उनकी बॉडी को ज़्यादा हार्मफुल करती है, और वो लोग भी अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो भी इसके चस्के में पड़ जाते हैं।